कांग्रेस नेता राहुल गांधी जो अपने अलग अंदाज को लेकर हमेशा चर्चा में और सुर्खियों में बने रहते हैं। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी जहां लोकसभा परिसर में फ्लाइंग किस करने को लेकर चर्चा में आ गए थे। दरअसल हुआ ये था कि राहुल गांधी जब संसद से बाहर निकल रहे थे तो उनकी कुछ फाइलें गिर गई थी। वो फाइलें उठा ही रहे थे कि तभी बीजेपी सांसद हंसने लगे। इस दौरान जवाब में राहुल ने सांसदों को फ्लाइंग किस करते हुए मुस्कान दी, लेकिन राहुल गांधी को फ्लाइंग किस देना महंगा पड़ गया और स्मृति ईरानी ने अपने जवाबी भाषण को लेकर उनको जमकर लताड़ा। उन्होंने राहुल के व्यवहार को अनुचित बताया और लोकसभा अध्यक्ष के पास शिकायत दर्ज कराई, जिस पर कई महिला सांसदों ने शिकायत पत्र पर हस्ताक्षर किए। तो ये पहला वाक्या नहीं था जब राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस दी है। इससे पहले आपको बता दें जुलाई 2018 में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान राहुल गांधी के भाषण पर जब खूब तालियां बजी थी, इसी दौरान वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट पर चले गए थे और उन्हें गले लगाया था। उसके बाद राहुल गांधी अपनी सीट पर पहुंचे और बगल में बैठे अपने कांग्रेस नेता को उन्होंने आंख मारी थी और वो घटनाक्रम भी, वो वीडियो भी काफी तेजी के साथ वायरल हुआ था। यानी राहुल गांधी का गले लगना, आंख मारना और उसके बाद फ्लाइंग किस करना, ये लगातार चर्चा में बना हुआ है। और फ्लाइंग किस सिर्फ एक बार नहीं है, आपको बता दें कि लोकसभा में फ्लाइंग किस का मुद्दा काफी गर्माया और उसके बाद राहुल गांधी लगातार फ्लाइंग किस देते हुए नजर आए हैं। राहुल गांधी का एक और वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पर, अभी जब वो लद्दाख दौरे पर थे तो उस दौरान भी वहां स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं को उन्होंने फ्लाइंग किस दी। उसके बाद अभी आपको बता दें विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस की मीटिंग लगातार हो रही है और अब ये तीसरी मीटिंग थी जो कि मुंबई में हुई है, और इस मीटिंग के दौरान भी राहुल गांधी मीटिंग से निकलते वक्त वहां उपस्थित कार्यकर्ताओं को फ्लाइंग किस देते हुए नजर आए हैं। तो इन सब से ऐसा लगता है कि राहुल गांधी को फ्लाइंग किस से कुछ ज्यादा ही लगाव है।